जयपुर के जंगलों में सर्दी से परेशान हुआ तेंदुआ, 5 साल के तेंदुओं को हुआ निमोनिया। वन विभाग की टीम ने शुरू किया इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान और मैं हूं आपके साथ नासमिन खान। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बाद सर्दी का सितम बढ़ गया है। इसका असर वन्य जीवों पर भी नजर आने लगा है। ऐसा ही मामला रविवार को जयपुर के लबाना गांव में सामने आया, जहां तेज सर्दी से बीमार तेंदुआ रिहायशी इलाके के नजदीक पहुंच गया। इस दौरान दर्द से चिल्लाते तेंदुए की आवाज सुन ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइज कर तेंदुओं का उपचार शुरू कर दिया। गनीमत रही कि इस दौरान तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीव चिकित्सा डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तेंदुओं को सर्दी लग गई, वह निमोनिया की चपेट में आ गया है। निमोनिया की वजह से तेंदुओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, वह चल भी नहीं पा रहा था। यही कारण है कि दर्द से परेशान तेंदुआ अचेत होकर लबाना गांव के जंगलों में ही गिर गया। माथुर ने बताया कि फिलहाल तेंदुए की स्थिति में सुधार है। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह जब ग्रामीण जंगल की ओर जा रहे थे, तभी दर्द से चिल्लाते तेंदुए की आवाज आने लगी। तेंदुए के डर से मौके से भागे ग्रामीण कुछ लोगों के साथ फिर से घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी, जिसके कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज कर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर आई। तेंदुए की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है।